तो आज की वीडियो में ऑलरेडी हम क्या सिर्फ देखेंगे कि किस तरीके से पिनबॉल वगैरह फिट करके प्रेशर दिया जाता है। तो डिसअसेंबल कर रहे थे आप देख सकते हैं। तो बेटर यही है कि हमेशा जब भी आप काम करेंगे तो यूनिट पुराना ही होगा, और पुराने यूनिट में ऑब्वियसली बात है कि आपकी कॉपर ट्यूब पे क्या है फिर वो लीकेज करेगा, तो उससे वो बेकार हो जाएगा, आपका पूरा पूरा वेस्ट हो जाएगा पिनबॉल। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको पिनबॉल ब्रेजिंग करनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच। मैं आशा आरएसवी ट्रेनर। आज की वीडियो में हम बहुत मजेदार चीज देखेंगे, मजेदार चीज सीखेंगे कि आज की वीडियो में देखेंगे कि स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में अगर आपको सिर्फ प्रेशर देकर के लीकेज टेस्ट करनी हो तो किस तरीके से करते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो स्टेप क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनसे हमें होकर के गुजरना होता है। तो वो पूरा आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से ब्रेजिंग करके पिनबॉल लगाएंगे, कैसे ट्यूब को पिंच किया जाता है, और प्रेशर कितना देना है इंडोर यूनिट में, सारा आपको प्रोसेसर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर कि हमारे पास एक स्प्लिट एसी रखा हुआ है। हमने इसे ऑलरेडी डिसअसेंबल कर लिया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती और टाइम वेस्ट होता है। इसकी डिसमेंटल की ऑलरेडी एक अलग से हमने वीडियो बना रखी है। तो आज की वीडियो में ऑलरेडी हम क्या सिर्फ देखेंगे कि किस तरीके से पिनबॉल वगैरह फिट करके प्रेशर दिया जाता है। तो डिसअसेंबल कर रहे थे आप देख सकते हैं, ये कूलिंग कॉइल हमारे पास, यानी कि जो इवेपोरेटर है हमने क्या है निकाल लिया है ऑलरेडी। अब आप देखेंगे इसमें ये दो लाइन होती है, सक्शन लाइन और लिक्विड लाइन होती है। तो अभी क्या है, हम एक साइड में हम यहाँ देख सकते हैं पिनबॉल ऑलरेडी हमने निकाल रखी है। तो इस पिनबॉल को हम क्या करेंगे, फिट करेंगे, एक साइड को हम पिंच करेंगे और उसके बाद प्रेशर देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसेसर है जो करने होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ देख सकते हैं कि बहुत कार्बन जमा हुआ है इसके ऊपर, कॉइलों के ऊपर। तो रैग मार्क से पहले इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद स्वेजिंग करेंगे, एंड देन उसके बाद हम क्या है स्वेजिंग करने के बाद पिनबॉल लगा के ब्रेजिंग करेंगे। तो अभी पूरा प्रोसेसर आपको दिखेगा, तो हमारे स्टूडेंट ये सारा काम करके अभी आपको दिखाएंगे। तो रैग मार्क से अच्छे से क्लीन करना है आपको, बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं, जो भी कार्बन रहते हैं वो सारे हट जाते हैं, तो ब्रेजिंग करने के लिए इजी हो जाता है हमारे को। तो बेटर यही है कि हमेशा जब भी आप काम करेंगे तो यूनिट पुराना ही होगा, और पुराने यूनिट में ऑब्वियसली बात है कि आपकी कॉपर ट्यूब पे क्या कार्बन जमा ही जमा होगा। तो उस कार्बन को सबसे पहले आपको हटा लेना है और उसके बाद ब्रेजिंग करनी है। तो यहाँ क्लीन कर लेंगे पहले, यहाँ देख सकते हैं बहुत पहले क्या हो रखा था, बिल्कुल ब्लैक हो रहा, अभी क्लीन हो गया है। तो अभी देख सकते हैं हमने क्या है ट्यूब को क्लीन कर लिया अच्छे से, उसके बाद अभी क्या है ब्लॉक में फंसा करके स्विजिंग करेंगे क्योंकि हमें पिनबॉल लगानी है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो भी कॉपर ट्यूब की साइज होगी, जरूरी नहीं है ये 516 है ये, और कई बार क्या होता है 516 ना मिलके क्वार्टर की भी मिल सकती है आपको या 3/8 की मिल सकती है, बट यहाँ आपको क्या है जो सक्शन लाइन मिली है आपको वो 3/8 की है, और लिक्विड लाइन है यहाँ पे 516 की है। तो हर मॉडल के हिसाब से अलग अलग कॉपर ट्यूब की साइज यूज की जाती है, हमारे पास अलग है। तो आपके यहाँ पे जो भी हो उस हिसाब से आपको पिनबॉल देख करके लगा लेना है। तो अभी ब्लॉक में अपनी कॉपर ट्यूब को फंसा के उसके बाद स्विजिंग करेंगे हम और पिनबॉल लगाएंगे। तो ये स्विजिंग कर लेनी है आपको। और बस, तो जब आप स्वेजिंग कर लेंगे तो फिर ब्लॉक को हटा लेना है, उसके बाद अभी हम क्या है पिनबॉल लगाएंगे और ब्रेजिंग करेंगे। तो अभी हम पिनबॉल लगाएंगे। पिन बॉल लगाते वक्त ध्यान देना है आपको इस चीज का कि पिन इसके अंदर ना हो,
देख सकते हैं ये पूरा खाली है। अगर पिन होगी इसके अंदर तो पिन वॉल आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप ब्रेसिंग करेंगे हीट देंगे तो पिन वॉल के जो पिन के अंदर जो प्लास्टिक लगी रहती है, जो प्लास्टिक की रबर रहती है, वो क्या होती है, मेल्ट हो जाएगी। तो पिन वॉल क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा, फिर वो लीकेज करेगा तो उससे वो बेकार हो जाएगा, आपको पूरा पूरा वेस्ट हो जाएगा पिन वॉल। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको पिन वॉल ब्रेसिंग करनी है, पिन वॉल लगाना है, तो उसका पिन पहले आपको बाहर निकाल देना है और उसके बाद ही ब्रेसिंग करनी है। तो अभी हमने फिट कर दिया और अभी हम ब्रेसिंग करने जा रहे हैं। ब्यूटेन कैन है हमारे पास, यहाँ देख सकते हैं टॉर्च हमने फिट कर लिया है ऑलरेडी। तो टॉर्च हमने ऑलरेडी लगा लिया है, अब क्या है, हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो हीट अच्छे से देना है दोस्तों, बिल्कुल सही जगह फ्लेम रखनी है आपको। इस तरीके से आपको ब्रेजिंग कर लेनी है, पिन बॉल को अच्छे से देख सकते हैं। और जो भी आपकी पिलर रोड है या फिर आपकी ब्रेजिंग रोड है, उसको कभी भी ठंडा हो, जब आपकी ट्यूब ठंडी हो उस टाइम पे नहीं चिपकाना है, नहीं तो फिर वो क्या दानेदार से छोड़ देती है, जब वो रेड हॉट हो जाए अलग से दिखती है, तो उसके बाद ही आपको मटीरियल को चिपकाना है। तो ये ब्रेजिंग हो गई है, अभी क्या है, हम दूसरी वाली ट्यूब को क्या करेंगे, पिंच करेंगे, फिर उसे भी ब्रेजिंग करेंगे इस तरीके से। तो कॉपर ट्यूब को आप पिंच करने के लिए क्या है, नॉर्मली कॉम्बिनेशन प्लायर से भी कर सकते हैं, बट हमारे पास ऑलरेडी टूल है पिंच ऑफ प्लायर, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम पिंच ऑफ प्लायर की हेल्प से क्या है, बिल्कुल इसको करेंगे। हाँ, और इसी तरीके से कॉपर ट्यूब को पिंच करने के बाद उसके बाद ब्रेजिंग कर देंगे उसके एजेस पे। तो यहाँ देख सकते हैं ये पिंच हो चुकी है पूरी अच्छे से हमारी ट्यूब, अभी यहाँ पे हम ब्रेजिंग कर देंगे। तो ये आप पिंच ऑफ प्लायर से या नॉर्मली कॉम्बिनेशन प्लायर से भी कर सकते हैं। ब्रेजिंग करते टाइम सामने ध्यान देना है कि कोई जलने वाला पार्ट ना हो, जैसे अभी तो यहाँ पे क्या है बहुत स्पेस है, बट आप जब करेंगे तो अगर आपके सामने कोई ऐसे जलने वाला पार्ट वगैरह हो, कुछ लगाओ, प्लास्टिक हो चाहे कुछ भी हो मटेरियल, अगर तो आपको रिफ्लेक्टर आगे लगा लेना है ज़रूर सेफ्टी पर्पज से। बट यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने अभी रिफ्लेक्टर को नहीं लगा रखा है। देख सकते हैं अच्छे से ब्रेजिंग हो गई है। अब क्या करना है, जब ये आपकी ट्यूब ठंडी हो जाए उसके बाद हमें क्या है पिन वॉल सेट कर लेना है, उसके बाद प्रेशर दे करके लीकेज टेस्ट कर लेनी है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से इंडोर यूनिट के अंदर पिन वॉल लगा करके उसको पिंच करके कॉपर ट्यूब को कैसे ब्लॉक किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी पार्ट टू में, जिसमें आपको दिखाएंगे क्या कि कितना प्रेशर देना होता है लीकेज टेस्ट करने के लिए, तो पूरा प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई तो उसको हम क्या टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।